नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने, और लेकर कुछ खास आई हूं मैं आज आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ जो मेरा इंतजार है वो बहुत तेजी से रहता है कि मैं कब आऊंगी, मैं कब क्या लेकर आऊंगी, इस चीज का वेट आप लोग कर रहे होते हैं। तो वेट अभी खत्म है आप लोगों का, क्योंकि देखिए एग्जाम की डेट का आप लोग वेट कर रहे हैं, कहीं पर यूपी टीजीटी की डेट का वेट हो रहा है, कहीं पर वेट हो रहा है कि एलटी की वैकेंसी कब आएंगी। यहां पर अभी जो मैं लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ एनवीएस, क्योंकि एनवीएस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। एनवीएस स्टेट को लेकर मेरे पास बड़ी संख्या में जो है व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, तो उनका सोल्यूशन मैं लेकर आ रही हूँ। अभी देखिए, पहले तो मैं बता देती हूँ एनवीएस के डेट को लेकर क्या चक्कर है। एनवीएस की जो डेट है अभी टेंटेटिव आई है, मतलब अभी सिर्फ एक टेम्परेरी डेट उन्होंने दी है। इस डेट में एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्लियरली। फर्स्टली मेरा बैच कंटिन्यू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं आर्ट का, और हिमाचल के लिए जो लोग अप्लाई कर, जिन्होंने अप्लाई किया है या जो कर रहे हैं, तो उनके लिए जीके का भी चला हुआ है, जीके की टीचर पढ़ा रही है हिमाचल की स्पेशली, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे एमबीएस को लेकर। तो एमबीएस की जो डेट है अगर आप देखेंगे तो वो आई हुई है 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच, मतलब इस डेट के बीच एग्जाम आप लोगों का हो सकता है, मे बी पॉसिबल, क्लियरली नहीं है कि अभी आप लोगों का यहां पर है, लेकिन ये मैं नहीं कहूंगी, जरूरी नहीं है कि मैं इस चीज को बता दूं कि क्लियर नहीं है तो आप लोग लूज हो जाएं, नहीं लूज तो होना ही है। अभी जब इन्होंने डेट दी है तो इस डेट के हिसाब से ही आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हमने आर्ट की तैयारी तो बहुत अच्छे से कर रखी है, फर्स्ट पेपर हमारा नहीं अच्छा है, तो फर्स्ट पेपर भी करिएगा। बिना फर्स्ट पेपर के आपका सेकेंड पेपर कैसे चेक होगा, कैसे क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। एनबीएस का जो पैटर्न है मैं बता चुकी हूं आर्ट नॉलेज क्लब पर चैनल पर, आप वहां से भी देख सकते हैं, फिर भी मैं यहां पर भी रिपीट कर रही हूं एक बार कि क्या पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है। फर्स्ट पेपर आता है आपको पता है, ज्यादा टफ नहीं आता है, इजी आता है। फर्स्ट पेपर में क्या क्या आता है आपका, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीके जीएस, मतलब ठीक है, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग जीके जीएस, साइकोलॉजी भी इसी में आता है, मतलब जो आप लोगों के एग्जाम वाले क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम से जुड़े क्वेश्चन जो होते हैं, पेडागोजी, पेडागोजी वाले क्वेश्चन भी आते हैं इसी में, वो इसमें आ जाते हैं, आर्ट से रिलेटेड पेडागोजी भी इसमें आ जाती है, ठीक है। पेडागोजी लिख लेंगे हम, पेडागोजी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये कुल मिला के 5 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स इसमें आता नहीं है, एनवीएस केवीएस में मैथ्स नहीं आता है, फर्स्ट पेपर का ये टारगेट होता है। तो इसमें इजी सा मैं बता देती हूँ हिंदी में किस लेवल का आता है, हिंदी में ज्यादा टफ नहीं आता है, आपको पर्यायवाची याद होना चाहिए, आपको विलोम शब्द याद होने चाहिए, तत्सम शब्द याद होने चाहिए, तद्भव शब्द याद होने चाहिए, पैराग्राफ आपको आना चाहिए, सेम इंग्लिश में भी यही है, एंटोनियम सिनोनियम, ये बनबट सब्स्टिट्यूशन आपको आना चाहिए, और इसमें पैराग्राफ भी आ जाता है। रीजनिंग में बहुत ज्यादा नहीं आता है, कोडिंग डिकोडिंग आपको आता है, कैलेंडर से आपको क्वेश्चन ले लेते हैं, रिलेशनशिप्स वाले क्वेश्चन आपको ले लिए जाते हैं एक दो, तो आपको नॉर्मल वाला करना है मतलब पार्ट, ठीक है। जीके जीएस भी बहुत हाई लेवल का नहीं आता है कि आपसे ज्यादा हाई लेवल पूछा जा रहा है, नॉर्मल आएगा। तो जितना मैं मानती हूँ, एक अगर रेगुलरिटी, मैंने पहले लास्ट ईयर शायद मैंने बताया था वीडियोज में अपने, तो आप देखेंगे उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि जो जीके जीएस की तैयारी करने का जो तरीका होता है वो होता है कि रेगुलर आप लोग बने रहे। इसकी तैयारी 1-2 दिन पहले या 1-2 महीना पहले नहीं होती है, इसकी तैयारी हम स्टार्टिंग से करते हैं। न्यूज़पेपर मैंने बताए थे आप लोगों को, करंटली जो आप लोगों के फोन में जो अपडेट आती है उससे आप जुड़े रहेंगे, और न्यूज आप देखिएगा टीवी में कि अभी क्या चल रहा है उससे आप जुड़े रहेंगे, तो वो चीज हो जाएगी। पेडागोजी की बुक्स भी आती है, पेडागोजी आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, टीचिंग से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों के बौद्धिक विकास से संबंधित इसमें क्वेश्चन आते हैं, वो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है मेरे सब्जेक्ट की बारी, मतलब आर्ट की बारी आती है। तो आर्ट में तो मैं मानती हूँ कि इसमें बहुत हाई लेवल नहीं आता है, ना ही इसमें यूपी टीजीटी की तरह 100-150 आर्टिस्ट आपसे पूछे जाते हैं, मेनली आपको चैप्टर वाइज इसमें करना है,
उतना करना है कि जितना मैं पढ़ा चुकी हूं वो सब इसमें आएगा। एंड दूसरी चीज क्या आएगी, आर्ट से जुड़ी हुई, आर्ट से जुड़ी हुई चीज आती है इसमें। देखिएगा आर्टिस्ट जो है बंगाल शैली को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जैसे मैंने बताया है। मेन मेन जो आर्टिस्ट हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैंने आर्टिस्ट से रिलेटेड एक वीडियो डाल रखा है, उस पर आप जाएंगे कि कौन से आर्टिस्ट से किस एग्जाम में कितना आता है वो मैंने बता रखा है। जैसे आपका मान लीजिएगा, मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि एम एफ हुसैन है आप लोगों के, राजा रवि वर्मा है, या मनी राय है, और अमृता शेरगिल है, रामबी सुतार है, रविंद्रनाथ है, गगनेन्द्रनाथ है, इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं बड़े, उनको आप पढ़ेंगे तो इसमें उन्हीं से ज्यादा आता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, देखिएगा चैप्टर वाइज की अगर हम बात कर लें तो कुछ चैप्टर हैं आप लोगों के आर्ट में। जैसे पहला चैप्टर आप मान के चलेंगे प्रागैतिहासिक का है, दूसरा आप लोगों का सिंधु सभ्यता का है, तीसरा है अजंता मतलब गुफाएं जितनी भी है, और इसके बाद आता है आपका राजस्थानी शैली। चैप्टर तो पाल चल जाएगा लेकिन मैं राजस्थानी क्यों लिख रही हूँ उसका रीजन मैं बताऊंगी। यहाँ पर आप देखेंगे मुगल, रफली समझा रही मैं, समझ लीजिए रफली। ठीक है, मुगल को आप ले लीजिएगा, और इसके बाद मैं लूंगी बंगाल। ये ऐसे चैप्टर हैं कि आप लोगों को छोड़ने बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनसे अगर मैं बोलने लगूं तो 5 to 10 marks का क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो गारंटी है आप लोगों का एनबीएस में सिलेक्शन है, पक्का है, अगर आपने इतना कर लिया तो। ये एक वो आपकी स्ट्रेटजी मैंने बताई है कि एनबीएस में सिलेक्शन कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद तो इंटरव्यू है, अभी तो रिटर्न है। इंटरव्यू जैसे मैं बताऊंगी, जो चीजें मैं बताऊंगी, अगर आपने वो कर ली तो इंटरव्यू पर हम बाद में चर्चा करते हैं, अभी हम करते ही नहीं है। ठीक है, अभी हम सिर्फ रिटर्न पर बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो दो चीजें बची हैं आप लोगों की, तंजोर शैली बची है, उड़ीसा शैली बची है, आपकी पाल शैली बची है। ठीक है, तो उनसे क्या होता है, आपकी एक पहाड़ी शैली और बची है, उसको भी नोट कर लीजिएगा, पहाड़ी शैली को यहीं पर मेंशन करिएगा, पहाड़ी शैली से भी आते हैं क्वेश्चन काफी। तो इसमें क्या होता है आप देखेंगे, ये जो दो शैली है इसको मैं अलग कर रही हूं थोड़ा सा, इनसे कम क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सी, पाल, पाल इजी है, और एक तंजोर उड़ीसा कंपनी, इनसे क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन इनसे भी आते हैं, समझ गए। मतलब ये वो चैप्टर हैं जो मैंने यहां से बताए हुए हैं कि इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है एनबीएस क्लियर करना। अगर एनबीएस क्लियर करना चाहते हैं तो जितना मैंने यहां बताया है, जितना मैंने यहां बताया, यहां के लिए देखिए मैं बता देती हूँ, सबसे मेन फोकस आपको पहले यहां करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप साइट से सिलेबस चेक कीजिएगा कि सिलेबस में हमारे कौन कौन से टॉपिक लिखे हैं, किसके अंतर्गत, मतलब हिंदी में क्या क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या क्या लिखा है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों का आया हुआ था, शायद मैंने भी बताया होगा, तो उसमें आप देखेंगे उसमें सिलेबस लिखा है नीचे, सिलेबस को ले लीजिएगा वहां से। ठीक है, नहीं मिलता तो मुझे बोलिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी, बट क्योंकि अभी एग्जाम की डेट आप देख रहे हैं 28 नवंबर ऑलरेडी आ चुकी है, हो सकता है यही आपकी परमानेंट फिक्स कर दी जाए कि यही जो डेट है यही फिक्स है, ये टेंटेटिव नहीं है। अभी सिर्फ ये दिया गया है कि हट सकती है, क्यों दिया गया है, क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि यहाँ पर मान लिया कोई और एग्जाम का टाइप आपके साथ हो रहा है यहाँ पर, तो इसको हटा दिया जाएगा, इसलिए अभी टेंटेटिव रखी गई है। तो अगर नहीं बैठता तो फिर यही वाली डेट जो है आप लोगों की फिक्स रहेगी। ठीक है, क्लियर है, इतना आपको समझ में आया, आपको क्या करना है, इन चैप्टर को प्रायोरिटी इतनी देनी है आर्ट में कि यहां से छोड़ना नहीं। आप जानते हैं यहां से क्वेश्चन आते हैं काफी सारे, फिर आप देखेंगे यहां से, इसके अलावा बंगाल शैली के अलावा जो आर्टिस्ट मैंने बताए हुए हैं, मेन मेन जो आर्टिस्ट हैं उनको आप कर लेंगे, कहीं से नहीं छोड़ेंगे। तो सारे क्वेश्चन आप देखेंगे जब आप एग्जाम पेपर उठाएंगे तो सोचेंगे कि हाँ मैंने वही बताया था, वही कुछ आया हुआ है। इनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, जो जो चीजें मैंने बताई हैं, सिलेबस उठाइए उसमें देखिएगा कि क्या क्या आता है, सिलेबस वही होगा जो मैंने बताया है, इसको कर लीजिएगा, आपका एग्जाम बिल्कुल पक्का है, क्लियर हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद ये सिलेक्शन ले लीजिएगा, रिटर्न में इंटरव्यू की तैयारी हम करा देंगे। ठीक है, चलती हूँ मैं, जल्दी से दूसरा वीडियो लेकर आऊंगी, तब तक के लिए मुझे पहले सबसे पहले एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, थैंक यू सो मच।